सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। उन्होंने जनपद में विकास के लिए 4,884.21 लाख रुपए की कुल 10 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर क्षेत्र के सांसद अजय टमटा और सभी अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने चंपावत को आदर्श जिला बनाए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों के साथ विशेष समीक्षा बैठक में भाग लिया और जिले के लिए तैयार की जा रही योजनाओं की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने चंपावत को आदर्श जिले के रूप में स्थापित करने और पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। निरीक्षक जो कार्यालय था यहाँ पर परिवहन का लंबे समय से इस क्षेत्र में जरूरत थी, मांग थी और इसके कारण से लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। इसके खुल जाने से यहाँ के क्षेत्रवासियों को, आसपास के लोगों को काफी सुविधा होगी और मैं समझता हूँ कि अब उनको अपने काम करवाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा बल्कि उनके घर के पास ही ये सुविधा हो गई है। मैं सभी को बधाई देता हूँ। बैठक के बाद सीएम ने जिला कलेक्ट्रेट में आए स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुना और उनके समाधान के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके बाद वो जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों द्वारा बनाए गए मॉडल्स का निरीक्षण किया और छात्रों का उत्साहवर्धन किया। अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।